दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कम खर्च में मछलियों को तैयार करने के कुछ तरीकों के बारे में आपको जानकारी देंगे और कुछ मछलियों के कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। जैसे तालाब में 3-4 प्रकार के आप मछलियों का पालन करते हैं, मान लीजिए 3 प्रकार के मछली का अगर आप पालन करते हैं तो उसके कारण जो चौथी मछली है वो फ्री में पाली जाती है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कौन कौन सी ऐसी मछलियाँ हैं, 2-3 मछलियाँ जिनकी वजह से चौथी जो मछली है वो फ्री में पलती है, कम खर्च में पलती है, अपने आप पलती है, अपने आप ग्रोथ करती है, उसके भोजन में खर्च ना के बराबर आता है। उसमें से ही एक मछली है अमूर कार्प, ये सबसे नीचे होती है और तालाब की सारी गंदगी को, सड़े गले चीज़ों को अगर आप रोटी भात चावल तालाब में फेंकते हैं, आपके घर में बचता है, या तालाब के अंदर पेड़ पौधे सड़े हुए रहते हैं, पत्ते रहते हैं, छोटी मोटी कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सभी को ये मछली साफ़ करके खाती है, तालाब में अमोनिया नहीं बनने देती है। तो अमूर कार्प एक ऐसी मछली है जिसको आप कम खर्च में पाल सकते हैं। इसका जो भोजन करने का तरीका है, दिन भर भोजन करते रहती है, दिन भर भोजन खोज खोज कर माटी को, मिट्टी को, तालाब के मिट्टी को खन खन कर नीचे तक भोजन करती है और तालाब को हमेशा साफ रखती है। तो इसके साथ हम किस मछली का पालन करें कि इनका भोजन में जो आने वाला खर्च है वो न के बराबर हो, सिर्फ आपको सीड खरीदने में खर्च लगे और फ्री में यह मछली तैयार हो जाए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और भी 2-3 प्रकार के मछलियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आप पाल सकते हैं कम खर्च में। एक मछली के कारण 2-3 मछलियाँ तैयार होती है, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में जो आप देख रहे हैं यह अमूर कार्प का बच्चा है, इसमें ये हाजीपुर जंक्शन आया है, कार्टून पर HJP लिखा हुआ है यानी कि हाजीपुर जंक्शन यह बच्चा आया है कोलकाता नेहाटी से ट्रेन के माध्यम से। हम दिखाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि हम मछली का बच्चा कैसे भेजते हैं, ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस पर AC लिखा हुआ है, AC यानी अमूर कार्प। 2 कार्टून हमने अपने कस्टमर के लिए भेजा है हाजीपुर जंक्शन बिहार कोलकाता नेहाटी से, हावड़ा जंक्शन से बाघ एक्सप्रेस जिसे काठ गोदाम भी बोला जाता है उससे आया है 2 कार्टून। आप देख सकते हैं इसमें AC लिखा हुआ है यानी कि अमूर कार्प, और यह उसका बिल्टी है यानी कि जब भी हम आपको बच्चा भेजेंगे तो आपके एक कार्टून पर जिसमें क्रॉस किया हुआ है एक आदमी उसमें से बिल्टी निकाल रहा है, ये देखिए ये बिल्टी है। आपको भी ये बिल्टी वहाँ रेलवे के कर्मचारी को दिखाना पड़ेगा तब आपको बच्चा देंगे। हमने ट्रेन से मात्र 2 कार्टून हाजीपुर जंक्शन भिजवाया है, तो आप समझ सकते हैं कम से कम बच्चा भी आपको भेजने का काम करते हैं। ऐसा कोई सीड सप्लायर नहीं है जो मात्र 2 कार्टून बच्चा किसी कस्टमर को दे। हमारे पास 10-15 ऑर्डर हमेशा होता है जिससे हम कम से कम बच्चा भी लोगों को भेज पाते हैं, तो इसी प्रकार से हम आपको भेजेंगे। बिल्टी आप वहाँ दिखाइएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा। तो आप पेमेंट करने से जो घबराते हैं वो आपकी परेशानी दूर हो गई होगी, वीडियो देखकर ट्रेन के माध्यम से हम बच्चा आपको भेजते हैं। अमूर कार्प का इसी साइज़ का, ये 1 इंच का बच्चा है, वीडियो में देख रहे हैं इसी साइज़ का, एक कार्टून में 500 पैकिंग जाता है। अमूर कार्प का बच्चा थोड़ा महंगा आता है, इसी प्रकार से आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके जैसे इन्होंने मंगवाया है हाजीपुर हमारे एक कस्टमर ने, आप भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों अमूर कार्प का फार्मिंग जो है आप कम खर्च में कर सकते हैं। अगर आप पंगास मछली का फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में 15,000-20,000 पंगास हाई डेंसिटी में डालकर सिर्फ पंगास मछलियों को फार्मिंग करते हैं। उन्हें बहुत अधिक समस्या झेलना पड़ता है जब मछलियों को फीडिंग दे रहे होते हैं। मान लीजिए कोई किसान 1 एकड़ के तालाब में फार्मिंग करता है पंगास मछली का, रूपचंदा मछली का 15,000-20,000 क्वांटिटी रखकर, तो एक ऐसा भी समय आता है जब मछलियाँ 500-600 ग्राम की होती है और भोजन वो 1 क्विंटल प्रतिदिन से भी ज़्यादा करती है, 150-150 kg भोजन प्रतिदिन करती है। मान लीजिए मछलियाँ 100 kg भोजन कर रही है, 100 kg आपने तालाब में दाना डाला है, तो मछलियाँ भोजन करके कितनी अधिक गंदगी प्रतिदिन करती होगी और वो गंदगी सारी जाकर नीचे तली में बैठती है।
ऐसे ही करते करते अमोनिया, नाइट्रेट और हार्मफुल नुकसानदायक गैस बनते हैं तालाब में, और मछलियों में मरना अचानक पाया जाता है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में आप अमूर कार्प मछली का फार्मिंग करिए। अमूर कार्प का कुछ बच्चा अपने तालाब में डालिए। मान लीजिए पंगास मछली का फार्मिंग कर रहे हैं, एक एकड़ के तालाब में अपने 15,000, 12,000 या 20,000 हाई डेंसिटी में पंगास डाला है, रूपचंदा डाला है या कोई भी मछली डाला है, तो आप नीचे के लेयर के लिए अमूर कार्प को डालिए। अमोनिया बिल्कुल भी नहीं बनने दे कि जो भी गंदगी पंगास मछली, रूपचंदा मछली या ग्रासकार्प मछली करेगी उसे यह नीचे तली में खाकर पूरी तरीके से साफ़ कर देगी और अपना ग्रोथ अपने आप लेते रहेगी। तो फ्री में आप इसे पाल सकते हैं, आपको सीड में जो खर्चा लगेगा वही लगेगा। और अमूर कार्प का जो ग्रोथ है पिछले वाला जो हमारा कॉमन कार्प था उनसे 3 गुना ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं 1 साल के कल्चर में बिना भोजन के 2 से 3 केजी हो जाती है। बिना भोजन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी मछलियों को भी भोजन ना दें। अगर आप पंगास पालते हैं हाई डेंसिटी में तो 1,000 से 2,000 बच्चा प्रति एकड़ आप अमूर कार्प का निचले लेयर के लिए डालकर आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। साल भर में 2 से 3 केजी बहुत आसानी से होती। और मछलियों की हम बात करें तो जैसे कतला मछली हो गया, बिघेड मछली हो गया, सिल्वर कार्प मछली हो गया, इनका अगर आपको फार्मिंग करना है कम खर्च में, पिछले लेयर के लिए आप ग्रास कार्प डालिए। ग्रास कार्प तालाब के जितने भी हरी चीज़ें होती है, घास हो गया, पत्ते हो गए, हरी शैवाल हो गया, सभी को खाती है और उसका रेस्ट जो होता है अपने मुंह से निकालती है और गंदगी करती है। वो गंदगी तालाब के ऊपर तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है। और कतला मछली का, बिघेड मछली का, सिल्वर मछली का आदत होता है इन चीज़ों को छान छान कर खाना। दिन के समय में कतला मछली भोजन करते रहती है। बिघेड मछली पानी तालाब का लेती है और अपने गिल्स से, गलफड़े से बाहर निकालती है, जो भी मटेरियल खाने वाला होता है उसे वो खाती है। तो ग्रासकार मछली बीच के लेयर के लिए अगर आप पालते हैं तो कतला का कम खर्च में आपका पालन हो जाएगा, रेडी हो जाएगी, बिघेड कम खर्च में पालन हो जाएगा, सिल्वर कार्प कम खर्च में फार्मिंग आप कर सकते हैं। तो बीच के लेयर के लिए आप ग्रास कार्प डालिए। जो भी लोग हाई डेंसिटी में पंगास फार्मिंग करते हैं, नीचे के लिए या तो मृगल डालिए या कॉमन कार्प डालिए या सबसे अच्छा अमूर कार्प डालिए। मृगल डालिएगा तो साल भर से ऊपर लगेगा उसके ग्रोथ में, कॉमन कार्प डालिएगा तो उसका भी ग्रोथ साल भर में होगा, लेकिन अमूर कार्प आप 6 से 7 महीने में निकाल सकते हैं 1.5 केजी 2-2 केजी का। अमूर कार्प का बच्चा मंगवाइए, बहुत अधिक इसका डिमांड बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बच्चे का दाम अधिक होता है कॉमन कार्प के मुकाबले। इसी प्रकार से ट्रेन के माध्यम से हम भेजते हैं, कम से कम 2,000 बच्चा भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, अमूर कार्प का बच्चा मंगवाइए, पंगास मछली का बच्चा मंगवाइए। जेके फिश फीड किसी किसान भाई को चाहिए या डीलर बनना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार के जानकारी आप ले सकते हैं।